हर 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 बम 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 नहीं, यहाँ पर कितने बजे पहुँचे? यहाँ पे छह बजे सुबह। 6 बजे? हाँ। कितना पैदल चल गए किलोमीटर? नहीं, 3 घंटे लगे थे। 3 घंटे लगे थे? 3 घंटे। जैसे कि दोस्तों आपने लास्ट वीडियो देखा ही था, अजमेर जिले के पुष्कर के पास में अल्लू बाबा, यहीं पर कांवड़ यात्री ठहरे हुए हैं और इनके साथ में हमने भी पोहे खाए। श्रावण का महीना है तो पूरे के पूरे श्रावण मास कांवड़ यात्री यात्रा करते हैं। ये क्या है कांवड़ यात्रा और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव न्यारा है जी। अब कहां जा रहे हो अभी? हम पुष्कर से न्यारा के लिए कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो कांवड़ यात्रा में एक तो पहले बताओ कांवड़ का मतलब क्या होता है? कांवड़ का मतलब हमारा एक परंपरा है कि इस श्रावण के मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम बांस की लकड़ी पर 2 कलश तांबे के लेकर के पवित्र स्थान से, जैसे पुष्कर हो, गंगा की नदियों को भी, वहां से कलश भर करके कंधों पर रख करके भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर विसर्जित करते हैं, जिससे भगवान खुश हो, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, इसी को हम कांवड़ यात्रा बोलते हैं। और इस यात्रा को हम गाजे बाजे के साथ लेकर के जाते हैं। ये कांवड़ क्या होता है? होता क्या वैसे कांवड़? कावड़ तो मार के कावड़ दी। तो यहाँ आपके पास में ये जो लकड़ी में बांध रखे हैं आपने, जो ये कांवड़ है, ये दिखाना दिखाना ऊपर करना इसको। ये कांवड़ है, ये कांवड़ है जी। अच्छा, इसके जो दोनों साइड में आपने तांबे के कलश, तांबे की बजाय मिट्टी के भी हो सकते हैं? मिट्टी के हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन मिट्टी वाले पहुंचने में दिक्कत होगी, वो फूट जाते हैं, रास्ते में टक्कर भी लग जाती है तो फूट जाते होंगे। अच्छा, और पानी का रिसाव भी हो जाता है उनमें से। जैसे कांवड़ यात्रा सिर्फ इसी को जो आप कर रहे हो इसी को बोलते हैं या सिर्फ कहीं पर भी महादेव के मंदिर में चल? कहीं पर भी जा के, जैसे मैं अपने गांव के पास में जो महादेव मंदिर है वहां जाऊं? वहां जाओ तो आप भी लेके जा सकते हो। ऐसा बना के ले जाऊं तो मेरी कांवड़ यात्रा हो जाएगी? हो जाएगी। पानी कहाँ से लेना है? पुष्कर तीर्थ से ले लो, कोई भी, जैसे गंगा यमुना नदी से ले लो, या कोई जो जैसे पुष्कर की तरह जो तीर्थ हो वहाँ से। लेकिन वो चढ़ाना शिव जी के ऊपर ही। तो अभी आप जा रहे हो? अभी हम न्यारा जा रहे हैं, हमारा 51 सदस्यीय दल आया है यहाँ पर कांवड़ यात्रा लेने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो खतरनाक विष निकला था और उसे भगवान शिव जी ने धारण किया, तभी इसी बीच माता पार्वती ने उन्हें रोक दिया, जिस कारण से विष शिव जी के गले में अटक गया और गले का रंग नीला पड़ने लगा और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव भी कहा जाने लगा। तो गले का रंग नीला पड़ता देख सभी देवता भगवान को शांत करने के लिए मटके का जल भरकर देने लगे, जिससे उनका मन शांत हो गया और भक्तों द्वारा उन पर जल चढ़ाने की परंपरा भी आरंभ हो गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले। कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई, इससे जुड़ी कई सारी अलग अलग ऐतिहासिक कथाएं मौजूद है। जैसे भगवान परशुराम ने भी शिव को जल चढ़ाया था, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी शिव को जल चढ़ाया था, रावण ने भी चढ़ाया था और श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए यात्रा करवाई थी और आते समय जल भी भरकर लाए थे। तो कहा जाता है उसी समय से, प्राचीन काल से ही ये कांवड़ यात्रा की जाती है, जो श्रावण मास में भक्तों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल ला करके पवित्र स्थानों से चढ़ाया जाता है।